जिसका अंदेशा था। रविवार शाम पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने वो साबित कर दिखाया। रतनिया खेड़ी रोड पर स्थित गार्डन में शेखावत के हजारों समर्थकों ने पहुंचकर भाजपा आला कमान को यह संकेत दिया कि टिकट वितरण की प्रक्रिया का रिव्यू संगठन को करना चाहिए। समर्थकों में इस कदर जोश था कि कुर्सियां ना मिलने पर जमीन पर बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने नेता के पक्ष के नारे लगाए। दरअसल भाजपा ने नागदा खाचुर्द विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन चौहान को पार्टी का चेहरा मानने को कार्यकर्ता तैयार नहीं है। रविवार को कार्यकर्ताओं के हुजूम ने यह बता दिया कि भाजपा आलाकमान के निर्णय से वे खुश नहीं है। हैरानी ये है कि भीड़ में पार्टी के वो लोग भी शामिल थे जो बीते वर्षों में पार्टी के प्रमुख पदों पर रहकर संगठन का शहर व गांव तक नेतृत्व पंक्ति में दिखे। बावजूद राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेखावत बोले कि जब तक बी फॉर्म की प्रक्रिया शेष है तब तक मैं और आप सभी कार्यकर्ता संयम के साथ उचित फोरम पर अपनी बात रखेंगे। शेखावत की इस बात से संकेत तो मिल ही रहा है कि पार्टी से विद्रोह करने की उनकी कतई मंशा नहीं है। पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान वह भाजपा व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे खुद भी लगाते रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारों की उपस्थिति में यहां मौजूद कार्यकर्ता मेरे सच का परिचय है और यह सच आने वाले चुनाव में कांग्रेस की लंका को नागदा खाचरौद विधानसभा में जलाकर राख कर देगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। देखो निर्णय, मैंने कहा ना, हम संस्कारी दल के लोग हैं और इसलिए हम बी फॉर्म मिलने तक हमारी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इसलिए कोई अर्थ मत निकालो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जीवन में हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव सोचना चाहिए और आपको पता होगा मैंने जब शुरुआत करी है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद से शुरुआत की। मैंने जो मेरे भाषण को शुरुआत करी है वो माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जिंदाबाद से करी है और इसलिए आप कोई अर्थ मत निकालो। जैसे अगर बी फॉर्म अगर इनकेस नहीं होता, अब मैंने कहा ना, संभावनाओं से हमेशा भरे पूरे रहो, संभावना हमेशा रहती है।